हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई. स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द फर्स्ट सिटीज हरप्पन सिविलाइजेशन. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिविलाइजेशन क्या होता है. अब इसमें शुरू करेंगे द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन. मीन्स हम लोगों की जो सिविलाइजेशन है जो सबसे पुरानी है वो माना गया है कि वो नियर अबाउट 5000 ईयर्स पुरानी है. इसमें चार जो थी सिविलाइजेशन जो अलग अलग एरियाज में और रिवर वैलीज के पास में वो पाई गई वो अलग अलग एरियाज में थी. उनके नाम ऐसे हैं, फर्स्ट है इंडस वैली वो हरप्पन सिविलाइजेशन कहलाती है, वो इंडिया की थी. सेकंड है इजिप्टन सिविलाइजेशन, ये बैंक ऑफ रिवर नाइल जैसे नील भी कहते हैं उसके किनारे पाई गई, ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की. थर्ड है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस मिडिल ईस्ट की. और फोर्थ है चाइनीज सिविलाइजेशन इन द वैली ऑफ होंगहो एंड यांगस्टीज रिवर्स ईस्ट एशिया की. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हरप्पन कल्चर भी कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इंडिया की मानी जाती है. इसमें देखिए, इन 1921 एन इंडियन आर्कियोलॉजिकल दयाराम सहनी डिस्कवर्ड द रेन्स ऑफ द सिटी ऑफ हरप्पा. दयाराम सहनी ने 1921 में हरप्पा सिटी के खंडरों को ढूंढा था. एंड इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन वेस्ट पंजाब. और ये कहाँ पर सिचुएटेड थी, पंजाब के वेस्ट पंजाब के रावी नदी के किनारे. इन 1922 द रेन्स ऑफ मोहनजोदारो वर डिस्कवर्ड इन द ललकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध बाई आर डी बनर्जी. और 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो को की खोज हुई. एज हरप्पा एंड मोहनजोदारो बोथ बिलोंग टू द इंडस वैली दिस सिविलाइजेशन केम टू बी कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये दोनों ही हरप्पा मोहनजोदारो इंडस वैली से सिचुएटेड थी या कनेक्टेड थी, इसी वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई. साथ ही साथ हरप्पा वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन. सबसे पहले जिस जगह को ढूंढा गया वो हरप्पा थी, इसलिए इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा. अब इसके फीचर्स क्या है सिविलाइजेशन के, इसमें सबसे मेन चीज आती है आपकी टाउन प्लानिंग. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट इट वॉज एन अर्बन और सिटी सिविलाइजेशन. इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी या एक नगरीकरण या शहरी सिविलाइजेशन थी, जहां पर कुछ भी ग्रामीण नहीं था, सभी लोग शहरी थे ये माना जाता है. सिटी कैसी थी, इट वॉज क्वाइट बिग, काफी बड़ी सिटी थी. द बिग हाउसेज हैव टू और मोर स्टोरीज, बड़े बड़े हाउसेज में दो या उससे ज्यादा मंजिलें होती थी. ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज वेल्स ड्रेन्स एंड बाथरूम्स, और सभी लगभग सभी घरों में कुएं नालियां और बाथरूम होते थे. द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी आर स्ट्रेट वाइड एंड कट ईच अदर एट रेक्टेंगल्स, और जितनी भी सड़कें होती थी वो काफी सीधी बड़ी और एक दूसरे को एक रेक्टेंगल शेप में काटती थी. इसी में प्लेटफॉर्म पाए गए हैं बने हुए चौड़े से, जो कि बेक्ड यानी कि पकी हुई ईंटों के थे, जिसे कि सीटा डेल कहा जाता है. इसके बारे में अभी तक ये डिफिकल्ट है बताना, हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि ये क्यों बनाया गया था. जो कि सीटा डेल एक दुर्ग होता है या गढ़ जिसे कहते हैं, जो कि किसी भी नगर को के चारों तरफ एक दीवार सी उठी रहती है, उसी को सीटा डेल कहते हैं. अब लोग वहां के कैसे थे, टू नो द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वी नीड टू स्टडी इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन. इन लोगों के बारे में जानने के लिए हम लोगों को इसके कल्चर और सिविलाइजेशन को जानना पड़ेगा. सबसे पहले फूड, वो कैसा फूड खाते थे. वीट वॉज द स्टेबल फूड, मेन उनका फूड क्या था, वीट था. इसके अलावा वो बाले जौ यानी पाम डेट खजूर मटन पोर्क फिश एंड एग, यानी कि वो मांसाहारी भी थे, ये सब चीजें भी खाते थे. ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, ड्रेस मीन्स कपड़े, तो मेन उनके लिए जो फैमिलियर कपड़े थे वो कॉटन और वूल यानी कि सूती और ऊनी थे. इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स यानी गहने थे वो बोथ मेन एंड वेमेन, हाई एंड लो मतलब आदमी और औरतें साथ में, चाहे वो हाई क्लास के हों चाहे वो लो क्लास के हों, सभी लोग ऑर्नामेंट पहनते थे. द ऑर्नामेंट्स वर ऑफ ग्रेट वेरायटी इन शेप एंड डिजाइन, और जो ये ऑर्नामेंट यानी गहने होते थे ये अलग अलग वेरायटी और शेप और डिजाइन के होते थे. और ये बनते किससे थे, ये गोल्ड सिल्वर और इवरी कॉपर और प्रीशियस स्टोन के बने होते थे. इवरी का मतलब होता है हाथी दांत. इसके अलावा पॉटरी, द अर्थन वेसल्स मेड विथ पॉटर्स व्हील व इधर प्लेन और पेंटेड. वेसल्स का मतलब होता है बच्चों पतीला. द
जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं ये बने हुए हैं, तो मिट्टी के पतीले बने होते थे जो कि पॉटर्स यानी जो कुम्हार होता है उसके चक्की पर बने होते थे, और कभी कभी वो प्लेन भी होते थे, कुछ पेंट किए हुए भी पाए गए हैं। इसके अलावा सम ऑफ देम वर ग्लेस ऑल्सो, उनमें से कुछ चमकीले और शीशे के कांच उसमें लगे होते थे वगैरह यूज होता था। इसके अलावा कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, इन सब से वो थोड़ा सा अननोन थे, ज्यादा उन्होंने इस पे काम नहीं किया। इसके अलावा अदर हाउस होल्ड आर्टिकल जो उन्होंने इसके अलावा जो आर्टिकल यूज किए उसमें स्पेंडल्स मतलब होता है कि जो तकली होती है जिसपे सूत वगैरह काटते हैं, नीडल, सुई एंड कॉम, और कॉम यानी कंघे, एक्सेस, कुल्हाड़ी, नाइफ्स यानी चाकू, रेजर्स माने रेजर आप लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने वाला, ये सारी चीजें वो यूज करते थे। दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन, और उनको आयरन यानी लोहे की कोई भी नॉलेज नहीं थी।